आज जाएंगे हम लोग जिप्सी में 200 साल पुराने गांव भाई। बोल लीजिए भाई, हम लोग एंटर कर चुके 200 साल पुराने गांव जो कि है अपने मनाली में। और इसके सामने जब पुराने टाइम में यहाँ पे पूरे अपने चावल आटा बिल्कुल नीचे स्तर से, पहले तो अपनी पत्थर की लेयरिंग, फिर उसके बाद लकड़ी, फिर पत्थर की, फिर लकड़ी, फिर तो देखिए आजकल के टाइम में तो बड़े बड़े टॉयलेट होते हैं, वॉशरूम होते जिनमें टाइलें लगी होती है, लेकिन अपना पुराने टाइम का ऐसे करो सेचीज, ऐसे करो मस्त वाला। देखिए अपना मिट्टी में खेल रहे हैं यहाँ पे, और छोटे छोटे वो देखिए मुर्गे मुर्गियाँ चरा रहे हैं। एक्चुअली में जिसका भी ये गाँव है ना, जिन लोगों का ये गाँव है, उनके दो घर थे, एक घर तो बहुत ऊपर है और दूसरा घर यहाँ पे बिल्कुल अपना चावल वगैरह धान वगैरह। हेलो जी, वेलकम बैक टू दी चैनल। हम लोग फिर से आ चुके एक नए ब्लॉग के साथ। तो हमारा आज का प्लान था हमटा पास सेथन वाली साइड जाने का, क्योंकि रात को अच्छा खासा मौसम खराब हो गया था, हमें लगा सुबह भर भर के स्नोफॉल होगी और हम लोग सीधे जिप्सी उठाएंगे और सीधे हमटा पास पहुंच जाएंगे। लेकिन सुबह उठते ही भाई साहब अच्छी खासी धूप खिल गई, तो अभी प्लान तो चौपट हो चुका है। लेकिन अच्छा भी किया कि हम लोग हमटा पास वाली साइड नहीं गए, क्योंकि हम लोग जाने वाले मनाली के 200 साल पुराने गांव में, और वहां पे सारे 95% घर ना अभी भी 200 साल पुराने, पूरे लकड़ियों और पत्थरों के बने हुए हैं। हम लोग वहां पे इसलिए जाने वाले क्योंकि वहां पे ना बॉलीवुड की बहुत बड़ी मूवी है, उसकी शूटिंग होने वाली बहुत जल्द, 1 या 2 महीने में, तो उसके लिए लोकेशन देखने जा रहे हैं। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे चलते दिखाते आपको 200 साल पुराना गांव अपने मनाली से, लगभग 14 से 15 किलोमीटर पीछे की तरफ है। तो कल का प्लान है हमारा आरालाचा, जिस्पा, शिंकुला, जहां तक भी रोड थ्रू होगा हम लोग अपनी जिप्सी लेके जाएंगे। वो तो कल का सीन रहा, तो फिलहाल अभी चलते सीधे दिखाते आपको 200 साल पुराना गांव। भाई जैसे ही घर से निकले ना, अच्छी खासी गर्मी स्टार्ट हो गई है और सामने बस के पीछे जिप्सी भी आ चुकी है अपनी, देखिए या बीस्ट आ चुकी है। तो अगर पिछले कल हमारे पास जिप्सी होती या जिमनी होती ना भाई, बर्फ में ऐसे राउंड 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 घुमाते हम लोग, बट अपने पास ब्लेनो थी तो कुछ कर नहीं पाए। बट आज जाएंगे हम लोग जिप्सी में 200 साल पुराने गांव भाई। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। तो हम लोग ना मनाली से 14 से 15 किलोमीटर पीछे से राइट मुड़ने वाले, जो अपना मेन रोड है अपना दिल्ली मनाली हाईवे का, और एक दूसरा रास्ता भी है जो मनाली से डाइवर्ट होता है, 14-15 से ही मैं दोनों, तो आप लोग कहीं से भी जा सकते हो। तो चलिए साथ साथ दिखाते हैं, एक स्काई ब्रिज भी आता है बीच में, वो भी दिखाते हैं। वहीं से होते हुए डाइवर्ट होता है रास्ता सीधे वहां के लिए। मुझे लगा था जैसे ही अपना 29 दिसंबर आएगा एकदम से ट्रैफिक बढ़ेगा, लेकिन आज भी ट्रैफिक कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली रास्ता है मनाली का। बाकी शाम तक दिखाएंगे आप लोगों को क्या सीन बनता है, शायद से हम लोग मॉल रोड मनाली भी जाएंगे, वहां का सीन भी दिखाएंगे। बाकी तो देखिए सब गाड़ियां वापिस जा रही है, लेकिन नीचे से बहुत कम आ रही है ऊपर की तरफ। तो देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं स्काई ब्रिज के पास, ये रहा मनाली का मेन रास्ता और ये रहा अपना स्काई ब्रिज। तो बिल्कुल मेन हाईवे से दिखता है दूर से ये, बिल्कुल पर बराबर रास्ता है अपना। देखिए बिल्कुल जो गाड़ी आ रही है बिल्कुल पॉइंट पॉइंट की जगह है, टायर देखिए बिल्कुल बराबर आ रहे हैं अपने ब्रिज में। ये देखिए ऑल्टो फिर निकल जाती है, क्योंकि ऑल्टो बिल्कुल छोटी सी है ना, बट अपनी जिप्सी बिल्कुल बराबर आएगी, और बड़ी गाड़ियां तो मुश्किल है यहाँ से निकलना। ये देखिए कुछ इस तरह का ब्रिज है यहाँ पे, बिल्कुल स्काई ब्रिज, और वो सामने रहा मेन हाईवे जो मनाली को जाता है। भाई यहाँ से व्यू भी क्या ऑसम आ रहा है, देखिए। हम लोग मेन हाईवे से ऊपर चले, एक बार फिर से नीचे उतर चुके हैं। अभी पूरा यहाँ से ऑफ रोडिंग है, और बीच में होटल भी है एक स्टे करने के लिए, और यहाँ से पूरा ऑफ रोडिंग है नीचे तक, गाँव तक। तो देखिए वो लास्ट में जाके नीचे विलेज अपना, और बिल्कुल बराबर बराबर रोड है यहाँ भी छोटा सा। बोल लीजिए भाई, हम लोग एंटर कर चुके 200 साल पुराने गांव जो कि है अपने मनाली में। तो अभी सीधे हम लोग उतरेंगे, उसके बाद पूरी डिटेल बताएंगे और दिखाएंगे भाई, देखिए कैसे कैसे घर है। तो देखिए सुबह सुबह निकल चुके हैं लोग अपने काम में, भेड़ बकरियों को लेके। गांव की दिनचर्या कुछ इसी तरह से स्टार्ट होती है, देखिए आगे धूल मिट्टी कितनी है भाई, ऑफ रोडिंग है ना सारी। बंदा भाई चला के वो धूल मिट्टी से बच के अंदर बगीचे में घुस गया, और यहाँ पे सारी भेड़ बकरियाँ देखिए
दिमाग चलाक हो रहे हो भाई। शेपर्ड डॉग भी देखो साथ में। कहाँ है शेपर्ड डॉग? ओ भाई देखिए ये होता है अपने भेड़ बकरियों के साथ। ये देखिए भाई कुछ इस तरह का माहौल है। देखिए तो सबसे पहले मैं ना लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो लास्ट वाला घर है ये बिल्कुल नीचे लास्ट में है गांव में, बाकी गांव ऊपर है जो अपना पूरा गांव है। तो मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसके सामने जब पुराने टाइम में यहाँ पे पूरे अपने चावल आटा जो भी गेहूं धान होते थे, मक्की छल्ली जो भी बोलते हैं, तो सब कुछ लगाते थे यहाँ पे। अभी तो देखिए एप्पल के ट्री है पूरे में, तो कुछ इस तरह का टिपिकल लग रहा है देखिए पुराने टाइप का। और 200 साल पुराने गांव भाई साहब। अभी तो यहाँ तो एक ही घर है, मैंने सोचा एक एक करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, पहले एक दो करके बाद में पूरा बड़ा गांव। तो देखिए जो पुराने घर होते थे ना इनमें देखिए बिल्कुल एक पोर्शन होता था जो पत्थरों का, फिर इतनी बड़ा पोर्शन लकड़ी का, फिर से छोटा सा पत्थरों का, फिर इतना बड़ा पोर्शन लकड़ी का, फिर से छोटा पत्थरों का और फिर लकड़ी का। इनको देख के जो सुकून आता है ना भाई, एक अलग ही लेवल का भाई। 200 साल पुराना गांव, वो भी अभी अभी तक है मनाली में। तो आप लोग भी आ सकते हो यहाँ पे घूमने आना है तो। इसी गांव में मतलब पूरा मतलब 2-3 दिनों का शूट इसी गांव में होगा जो कि अपने 200 साल पुराने गांव में होगा। तो बहुत बड़ी मूवी है बॉलीवुड की, वो बताएंगे कब स्टार्ट होगा और क्या सारा सीन वो बताएंगे। तो उसके काम के लिए हमें फटाफट से यहाँ भी आना पड़ा। तो चलिए दिखाते अभी ये घर तो देख लिया, थोड़ा अंदर से भी दिखाऊंगा, उसके बाद सीधे ऊपर चलेंगे। जो पूरे घर है ना भाई एक साथ 1 2 3 4 ऐसे करके, वो जो मज़ा आएगा ना देखने का भाई वो दिखाते, वाइब्स वाली बात होती है सारी। तो लीजिए जी फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग 200 साल पुराने गांव में। हियर इज द 200 साल पुराने घर। ओ भाई तो इन्हें देखते ही ना एक अलग फीलिंग आती है। ये देखिए बिल्कुल नीचे स्तर से पहले तो अपनी पत्थर की लेयरिंग, फिर उसके बाद लकड़ी, फिर पत्थर की, फिर लकड़ी, फिर पत्थर की और फिर लकड़ी। तो देखिए ये इतने स्ट्रांग होते थे, इनमें भूकंप वगैरह कुछ भी हो ना कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। तो सही है, अभी इस गांव में ना 95% अपने ओल्ड 200 साल पुराने गांव हैं, अभी 5% तो थोड़े चेंज हो गए हैं। जैसे कि ये देखिए नीचे अपने ग्रीन छत दिख रही है, ये हल्का सा चेंज हो गया है, बाकी तो सारा पुराना स्ट्रक्चर है देखिए। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग विलेज के अंदर, थोड़ा आगे जाते और दिखाते आगे का सीन आपको। तो ये चेक कीजिए 200 साल पुराने गांव, वो भी मनाली के अंदर। सही सीन है भाई। ये देखिए गांव का माहौल, दिन के 11:30 बज चुके हैं और कुछ इस तरह का माहौल है दिन का। तो देखिए ये सारे घर 200 साल पुराने, ये भी वो भी है, लेकिन थोड़ा सा रिन्यू किया है, इसे भी रिन्यू उसे भी, बाकी ये तो सारे पुराने ही है, पुराना ओल्ड स्ट्रक्चर। तो देखिए पुराने समय में जो निचला हिस्सा होता था यहाँ पे अपनी भेड़ बकरियाँ और गायों को रखा जाता था। ये देखिए अभी पूरा सेम पुराना ही पैटर्न है। ये देखिए अंदर बिल्कुल मिट्टी मिट्टी वाला सीन, शायद अभी तो इसमें गाय नहीं रखते हैं लेकिन दूसरे वाले में रखते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस गांव में मतलब एक या दो घर है। तो यहाँ पे देखिए लाइनों से यहाँ पे घर, मैं ऐसे ही गिनवा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 200 साल पुराने 12 घर तो ऐसे ही दिख गए। इसके दूसरी तरफ भी जाएंगे, वहाँ भी दिखाएंगे आपको। बड़ी बॉलीवुड की मूवी की शूटिंग होने वाली है यहाँ पे, जैसा कि आप लोगों को पता है अगर आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग देखे हैं। हम लोग पूरी शूटिंग का ही काम करते हैं, मूवीज़ वेब सीरीज साउथ इंडियन हो, बॉलीवुड हो, तेलुगु हो, अपना पंजाबी हो, ये कन्नड़ हो, जो भी सबका शूट हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे बॉलीवुड की मूवी का शूट होने वाला है तो उसी के लिए हम लोग आए, उसके काम से थोड़ी सी लोकेशन देखनी है। तो अपना काम भी हो गया और आप लोगों को भी 200 साल पुराना घर देख के देखिए। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं ऊपर और ये देखिए गांव में कुछ इस तरह का माहौल है भाई, मुर्गे चला रहे छोटे छोटे बच्चे। तो थोड़े पास जाके दिखाते हैं आपको। तो देखिए आजकल के टाइम में तो बड़े बड़े टॉयलेट होते हैं, वॉशरूम होते हैं जिनमें टाइलें लगी होती है, लेकिन अपना पुराने टाइम का ऐसे ही वॉशरूम होते थे। देखिए वॉशरूम भी है, टॉयलेट भी है और यहीं पे छोटे छोटे बच्चे मुर्गे मुर्गियां चरा रहे हैं। जब आप लोग ऐसी ऐसी जगह आते हो ना एक अलग ही एहसास होता है, मतलब कैसे लगता है एक जन्नत में हो, मतलब पुरानी वाइब होती है ना एक बार फिर से आ जाती है वो। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे
कहाँ जा रहे हो? शायद ये मुझसे डर गए, ऊपर को जा रहे। ये देखिए छोटे छोटे मुर्गे मुर्गियाँ। हेलो, हाय, क्या नाम है आपका? सरिता। क्या नाम? सरिता। आपका? बबीता। इसका? ये? वो? अनीता। माया। अरे वो माया, दो दो नाम है। उसके पीछे वाली के? अच्छा लड़का है वो। सही है। कितने साल के हो गए ये मुर्गे मुर्गियाँ? दो साल के। अरे दो साल में इतने ही बच्चे ही रह गए भाई। मैं पूछ रहा हूँ कितने साल के? दो साल के। इतने ही बच्चे ही रह गए दो साल में। देखिए आप लोग कितने साल के हो गए? यही आप लोगों का घर? वो फंस गई भाई। दस वो खत्म। ऐसे करो से चीज, आप भी करो विकास, ऐसे करो से चीज, ये ऐसे करो से चीज, ऐसे करो। देखिए छोटे छोटे बच्चे, मतलब अपना बचपन याद आ जाता है। ऊपर से ऐसे पुराने गांव में तो फिर एक अलग ही माहौल रहता है। अभी तक होते ना हम लोग अपने शहर वाले माहौल में, तो सारे बच्चे होते, कोई कहाँ पे, कोई फोन छेड़ रहा, कुछ कर रहा। ये मस्त वाला देखिए अपना मिट्टी में खेल रहे हैं यहाँ पे, और छोटे छोटे वो देखिए मुर्गे मुर्गियाँ चरा रहे हैं। ठीक है, बाय बाय बाय। तो चलिए थोड़ी आगे चलते हैं, और वहाँ कुछ दिखाने से पहले यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे पूरे अपने, बोल रहा था ना मैं, गाय भेड़ बकरी जो भी रहते थे, और ऊपर अपना खुद रहते थे इंसान, या तो अपना देखिए घास वगैरह रखते थे। एक्चुअली मैं जिसका भी ये गांव है ना, जिन लोगों का ये गांव है, उनके दो घर थे। एक घर तो बहुत ऊपर है और दूसरा घर यहाँ पे। यहाँ पे बिल्कुल अपना चावल वगैरह, धान वगैरह लगाते थे, और यहाँ पे गाय भेड़ बकरी पालन करते थे। तो जैसे अपना ये सर्दियाँ या गर्मी ऐसे कुछ आते थे यहाँ पे। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, अभी गांव में इतने लोग भी नहीं है कि मैं पूछ सकूँ। कभी और दिन आएंगे तो हम लोग एग्जैक्टली बताएंगे आपको। बट ये देखिए, ये तो कुछ अलग ही माहौल लग रहा है भाई साहब। ये देखिए बिल्कुल ऐसे रो वाइज घर। ये देखिए निचली तरफ भी है बहुत सारे घर, और शायद से ये गांव के बीच का वो होता होगा, जैसे एक ग्राउंड होता है ना, जहाँ शाम को सारे लोग बैठते, आग उग जलाते और अपनी अपनी बातें करते, और मतलब म्यूजिक म्यूजिक गाते हैं। आजकल तो चलो वो लाइव म्यूजिक वगैरह होता है कि बजा दिया कहीं पे ये वो, पहले के टाइम में तो अपना खुद मुँह से गा के मस्त वाला सीन। यहाँ पे देखिए लोग शायद सारे अपने अपने काम में गए हैं, तो कपड़े वगैरह धो धा के बच्चों के और अपने वो सामने रख दिए उन्होंने। और ये देखिए गाय का गोबर वगैरह सारा इधर साथ में, और ये सर्दियों के लिए सारे लकड़ी, आग का जुगाड़। तो चलिए फ़िलहाल तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, तो हम लोगों को फिर से आना पड़ेगा यहाँ पे एक बार फिर से लोकेशन देखने, जैसे अपने शूटिंग वाले आते हैं उनके साथ भी। तो चलिए अलविदा कहते, बाय बाय कहते 200 साल पुराने गांव को। बट यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता यार। देखिए यहाँ एक अलग ही सुकून है, और वाइब एक अलग वाली। तो चलिए कल का प्लान है हमारा हमटा पास वाली साइड जाने का, अगर स्नोफॉल हुई तो, वरना तो हम लोग 31 या 1 जैन को ही जाएंगे, क्योंकि उस टाइम तो कंफर्म होता है 99% की स्नोफॉल होगी होगी। वैसे देखिए पूरा ऑफ रोड है, तो ऐसे धूल ही धूल उठ रही है जैसे गाड़ी मोड़ रहे हैं। और ये देखिए पुरानी सी ऑल्टो नहीं सॉरी मारुति 800 है, और मॉडिफाई करके भाई ने किया भाई, बिल्कुल रिम रूम लगा के एकदम ऑसम वाली बनाई है। तो हम लोग इसी में जाने वाले हैं अभी, क्योंकि जिप्सी ऊपर ही मिलेगी हमें। देखिए जैसा कि मैं बता रहा था अपना मारुति 800, तो अपने संदीप भाई ने एकदम ऑसम बना रखी है अंदर से भी, और इतनी पुराना मॉडल है लेकिन मतलब एकदम से ऐसे स्टेबल है गाड़ी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और अपनी पूरी लग्जरीनेस का पूरा ध्यान रखा भाई ने। ये देखिए बकेट सीट्स वगैरह ये वो सब कुछ।
तो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। आज हम लोग बहुत जल्दी घर पहुंचे क्योंकि हमें एक ही काम था कि सीधे जाए हम लोग 200 साल पुराने गांव, और उसके बाद मनाली का प्लान था लेकिन वो कैंसिल कर दिया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले कल तो कुछ भी ट्रैफिक नहीं था, आज भर भर के ट्रैफिक एक बार फिर से, क्योंकि कल 30 दिसंबर है और परसों 31st, तो मतलब टूरिस्टों का आना स्टार्ट हो गया है और कल से तो वीकेंड भी स्टार्ट है अपना, सैटरडे संडे, तो भर भर के गाड़ियां आ रही है, एक बार फिर से ट्रैफिक लग रहा है। तो हम लोग जाएंगे, कल अपना प्लान है अपने जिसपा शिंकुला बारालाचा वाले साइड जाने का, क्योंकि कल मौसम भी ख़राब है, अगर उस साइड स्नोफॉल हुई ना तो रास्ते में तो हमें अटल टनल और सिसु तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में बारालाचा वगैरह अपना जिसपा और शिंकुला सारा कवर करते हुए आएंगे हम लोग। तो दिखाएंगे सारा कंटेंट कल का क्या क्या रहने वाला है। तो फिलहाल इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते कल एक धमाकेदार कंटेंट के साथ, धमाकेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट पब्लिक।